गाइस, बॉलीवुड के वो एक्टर जिन्होंने ऐसी चार फिल्मों में तो काम किया लेकिन फीस ना के बराबर ही ली, जिसमें पहला नाम आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जिन्होंने अपने मांटो के लिए मात्र 1 रुपये की फीस चार्ज की थी। दूसरे हैं शाहिद कपूर, जिन्होंने अपनी फिल्म हैदर के लिए कोई भी फीस नहीं ली थी। तीसरे हैं सलमान खान, जिन्होंने अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार में अपने कैमियो रोल के लिए मात्र 1 रुपया ही चार्ज किया था। चौथे हैं फरहान अख्तर, जिन्होंने भाग मिल्खा भाग जैसी मूवी में रोल करने के लिए मात्र 11 रुपये फीस ली थी। गाइज, आपको इनमें से कम चार्ज वाले एक्टर की कौन सी फिल्म पसंद है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर आप ऐसे नए नए फैक्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर। गाइज, महिंद्रा को तो आप जानते होंगे, जो कि एक भारतीय कार कंपनी है जिसकी सबसे अधिक बिकने वाली गाड़ियों में से एक है न्यू स्कॉर्पियो, जिसे लॉन्च होते ही पहले ही दिन मात्र 30 मिनट में 1,00,000 स्कॉर्पियो बुकिंग हो गई थी, जो कि पहले 1 मिनट में 25,000 स्कॉर्पियो बुकिंग हो गई थी। गाइज, ये भी एक रिकॉर्ड है इतने कम समय में इतनी स्कॉर्पियो बुकिंग हुई। गाइज, अगर आप ऐसे नए नए फैक्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइज, दुनिया की सबसे गर्म स्थानों में से एक है डेथ वैली। डेथ वैली पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान होने की वजह से जानी जाती है। ये वैली उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। 1933 में इस वैली का नाम डेथ वैली नेशनल पार्क रखा गया था। गाइज, यहाँ पर पत्थरों का रेंगना दुनिया की सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। इन्हें सेलिंग स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इन पत्थरों को कभी भी किसी ने व्यक्तिगत रूप से रेंगते हुए नहीं देखा है, लेकिन पत्थरों के स्लाइड होने की वजह से इनके द्वारा छोड़े गए निशान लोगों को आश्चर्यजनक अवस्था में डाल देते हैं। गाइज, क्या आपको भी लगता है कि ये पत्थर रेंगते होंगे? कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और अलग अलग फैक्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइज, भारत में एक इंसान ने जोमेटो से 1 साल के अंदर 28,00,000 से भी अधिक का खाना ऑर्डर कर दिया। गाइज, इस इंसान को जोमेटो की तरफ से साल 2022 का सबसे बड़ा फूडी चुना गया है। और हैरानी की बात यह है कि इसने जोमेटो से पूरे साल में 3330 बार खाना ऑर्डर किया, यानी प्रतिदिन 9 बार, जिसके लिए इसने पूरे 28,00,000 खर्च हुए। रिपोर्टर्स की माने तो जिसमें सबसे अधिक खाने में बिरयानी ऑर्डर की है। गाइज, जोमेटो को भी साल 2022 में सबसे ज्यादा ऑर्डर बिरयानी के ही मिले हैं। गाइज, वैसे इंसान इतना कैसे फूडी हो सकता है? वैसे आपको खाने में क्या पसंद है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और अलग अलग फैक्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।